हाय फ्रेंड्स, ऑसम गार्डनिंग में आपका स्वागत है। तो देखिए फ्रेंड्स, ब्यूटीफुल सा प्लांटर लेके आई हूँ। और ये जो मनी प्लांट की स्टेम्स आप देख रहे हैं, ये काफ़ी टाइम से मैंने वाटर में लगाई हुई थी रूटिंग के लिए, और काफ़ी अच्छी इसमें रूट्स आ चुकी थी। और आज मैं इन्हें लगाना चाह रही थी सॉइल में, तो उसके लिए मुझे पॉट नहीं मिल रहा था, तो मुझे ये बॉटल पड़ी दिखी, तो मुझे लगा इसी को मैं एक प्लांटर बना लूँ। फिर मैंने पेंट ढूंढा तो पेंट मुझे नहीं मिला, मैं इसमें कलर करना चाहती थी लेकिन पेंट भी मुझे नहीं मिला। तो करते करते ये इस तरह का प्लांटर बन के रेडी हो गया। तो मैंने सबसे पहले बॉटल ली, उसमें मैंने ये जो आप डोरी देख रहे हैं, इस तरह की डबल डोरी मैंने इसमें बांधी हुई है। एक तो मैंने कैप की साइड में लगा दी है डोरी, वहाँ बांध दी है, और दूसरा मैंने उधर होल किया है दूसरी साइड में, और इसे ऊपर ऐसे करके हैंग कर दिया है। फिर मेरा दूसरा काम था कि इसमें जो बॉटल में आगे से थोड़ा लाइन्स जैसी मुझे दिख रही थी, स्टेन से दिख रहे थे, उसको छिपाने के लिए मैंने ये ब्लू कलर का टेप इसमें लगा दिया। और थोड़ा मुझे खाली खाली सा लग रहा था, मुझे लगा मैं क्या इसमें लगाऊं अच्छा और दिखने के लिए, तो मेरे पास ब्रेसलेट पड़ा हुआ था काफ़ी टाइम से, जिसको मैं यूज़ भी नहीं करती थी, और इसमें जंक हम लोग यूज़ करते हैं और कभी कभी जंक लग जाता है, उसके बाद पड़ी रहती हैं चीज़ें। तो ये वो ब्रेसलेट है जिसके मैंने दोनों किनारों को इधर बॉटल के दोनों साइडों में लगा दिया, और नीचे का सर्कुलर पार्ट आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा लुक दे रहा है ये। और बीच में जो दो बॉल्स रखी हुई हैं क्रिसमस पर, कि जब क्रिसमस पे क्रिसमस ट्री हम डेकोरेट करते हैं, उसके लिए जो छोटे छोटे डेकोरेटिव मटेरियल्स लाते हैं, ये बॉल्स उसी में की हैं। ये भी पड़ी हुई थी मेरे पास, ये दो मैंने इसमें रख दी, और ये अच्छा सा एक प्लांटर बन के रेडी हो गया। मतलब मैं करना कुछ और चाह रही थी और बन कुछ और गया है, लेकिन ये बहुत अच्छा लगा और मुझे लगा कि आपके साथ भी मैं इसे शेयर करूँ। तो बहुत ही ईजीली ये बन के तैयार हो गया है, कुछ भी मुझे इसमें करना नहीं पड़ा। और कलर करती तो मैं इसमें डेफ़िनेटली मुझे थोड़ा टाइम भी लगता, और आसानी से बन के तैयार हो गया। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय।